हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी हो रहा है बिल्कुल सुबह 5:30 का टाइम। तो मैं उठ गई हूँ और लग रही है सुबह की झाड़ू। और मेरे से बैठ के झाड़ू अच्छे से नहीं लगती है, तो मैं मतलब खड़े होकर झाड़ू अच्छे से नहीं लगती है, तो मैं ज़्यादातर ना बैठकर ही झाड़ू लगाती हूँ। शुरू की यही आदत है, मतलब क्योंकि जब खाली जगह होती है ना, एकदम खाली जगह होती है, वहाँ तो खड़े होकर झाड़ू लगा लो लग जाती है। लेकिन जब सामान रखा होता है ना, तो मुझसे तो नहीं बनता कि मैं खड़े होकर झाड़ू लगाऊं, क्योंकि सामान इधर उधर और फिर सामान के नीचे से भी, मतलब अब जैसे ये फ्रीज वगैरह है तो इसके नीचे से भी झाड़ू वगैरह करनी पड़ती है, और खड़े होके नहीं बनती है मेरे से। तो मैं तो बैठकर ही ज़्यादातर झाड़ू लगाती हूँ। और अभी मेरी सुबह की ही झाड़ू है, और मेरा बेटा उठ गया है। वो अपना, क्योंकि ना उसका चल रहा है एग्ज़ाम, तो वो अपना लगा है पढ़ाई में, और सारे बिस्तर उठाकर बेड के ऊपर ही रखे हुए हैं। और सुबह ना होती है जल्दी जल्दी तो मतलब क्योंकि ना स्कूल का लंच वगैरह भी तैयार करना होता है, तो बहुत जल्दी होती है। और फिर बस वही, लेकिन झाड़ू पूरे मैं सही से ही लगाती हूँ, जल्दी हो या ना हो, लेकिन झाड़ू तो मैं पूरा आराम से सुबह का जो है वो ढंग से ही लगाती हूँ। तो बस इसीलिए। और ये ना दीवार से झड़ा है, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, सारी दीवारें इतनी गंदी दिखती हैं, क्या करें। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब दिवाली तक तो ऐसे ही दिखेंगी। बहुत ज़्यादा सीमेंट सा, रेत जैसा गिरा है चढ़कर। तो अभी मैं आ गई थी बाहर, और बाहर मुझे ज़्यादा झाड़ना तो नहीं है, अब इतना ही झाड़ती हूँ। ये मेरे जो रूम के मतलब दरवाजे के आगे है, और थोड़ा सा ये रोड पर, क्योंकि सुबह सुबह बाहर की झाड़ू ना अच्छा होता है, बाहर भी झाड़ू लगाना। और मैं तो सुबह लगाती हूँ, लगा देती हूँ झाड़ू। वैसे यहाँ पर ना झाड़ू लगाने वाले आते हैं, वो आएंगे 9-10 बजे के टाइम, तो वो लगाएंगे। पर मैं थोड़ी तो झाड़ू मार ही देती हूँ, जब इतना सामने मारती हूँ तो उधर भी थोड़ा झाड़ू लगा ही देती हूँ। तो मुझे बनाना है मटर आलू की सब्जी। आलू मेरे रात में, मैंने अपना व्रत का खाना बनाया था तो उसमें ज़्यादा लगा था, तो मैंने 2-3 आलू निकाल कर रख दिया था। तो बस वही आलू रखा है, और उसी आलू को डालकर मैं मटर आलू की सब्जी बनाऊंगी। अभी हो जाएगा सुबह लंच पैक करने के लिए, और सुबह का हो जाएगा, क्योंकि 2 लोगों का ही खाना बनाना होता है, और हम माँ बेटी का तो अभी व्रत चल रहा है, तो इसीलिए। तो इसमें मतलब थोड़ा हींग जीरा, और अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो इसलिए हम लोग ना लहसुन प्याज मतलब जो इन लोगों की सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी नहीं डालते हैं, तो इसी करके, क्योंकि इसी वाले रूम में ही देवी माँ है, मंदिर भी है, तो फिर जब तक नवरात्रि हैं तब तक लहसुन प्याज हम ये जो इन लोगों के लिए बनाती हूँ ना खाना, उसमें भी यूज़ नहीं करती हूँ। और ये 3 आलू हैं जो बच गए थे, और इसी की ही सब्जी बना दूंगी। मटर, और है ये मटर, सफल वाली मटर है ये, और अच्छी सब्जी बन जाएगी।
सुबह सुबह हर काम में जल्दी होती है। और ये सब्जी के साथ तो पूड़ी या पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वैसे भी मैं तो सुबह लंच पैक करने के लिए पराठा ही बनाती हूँ। मैं बोलती हूँ अपने बेटे को मैं रोटियाँ बना देती हूँ और उसमें घी लगा दूँगी, तो घी लगा कर रोटियाँ ले जाया करो, पर वो उसको पराठा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो रोटी खाने का मतलब स्कूल ले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जबकि उसके स्कूल में पराठे वगैरह बहुत कम चलते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, और बाकी बच्चे हैं वो रोटियां लेकर आते हैं। तो वो क्या है कि उन लोगों का लंच है जो वो लंच के टाइम पर ही आता है, और जो इसके फ्रेंड्स वगैरह हैं, और हमारे लिए स्कूल थोड़ा दूर पड़ता है, तो फिर हम मैं तो साथ में ही दे देती हूँ। तो बस, और बच्चे हैं आजकल के तो रोटियां वैसे भी कम पसंद करते हैं, तो बस इसीलिए मैं उसके लंच में सुबह पराठा ही लगा कर देती हूँ। पराठा ज़्यादा पसंद करता है और रोटियां भी कम पसंद है और पूड़ियां भी कम पसंद हैं। ये नहीं कि मतलब रोटियां कम पसंद हैं तो पूड़ियां पसंद हो, पूड़ियां भी उतनी पसंद नहीं हैं, और पर उसे पराठे हर चीज़ के ज़्यादा पसंद है, जैसे मेथी आलू वगैरह के ये सारे पराठे ना काफ़ी पसंद है, और सबको घर में पराठे पसंद है, सिर्फ मेरी बेटी को पराठे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम खाती है, खाती है पर बहुत कम खाती है। तो बस ये लंच हो गया रेडी, इसका मैं लंच पैक कर देती हूँ। और मैं थोड़ा सा दही भी रखती हूँ, क्योंकि खाने के साथ दही भी पसंद अच्छा लगता है खाने में। वैसे तो हम सभी लोगों को दही अच्छा लगता है, पर वो स्कूल भी लेके जाता है, बेटे के लंच में भी रख देती हूँ। दही में थोड़ा सा नमक और मिर्च मिलाकर और रख देती हूँ, मीठा दही नहीं पसंद करता है। तो ये देखिए सुबह सुबह इतने सारे बर्तन हो गए, और अभी बच्चे गए नहीं हैं, बस आ गए, मतलब दो छोटी छोटी लड़कियां और आती हैं, तो तीनों साथ में जाते हैं, तो वो भी आ गई हैं। और मुझे यहीं से ये गेट है, वो खिड़की है ना, यहीं से दिखाई दे रहा है कि वो लोग भी आ गए हैं, तो मैं उनसे कुछ कुछ बात भी करती जा रही थी। और सुबह सुबह बहुत बर्तन हो गए, जबकि अभी किसी का चाय नाश्ता नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे बेटे का। क्योंकि अच्छा मेरे हस्बैंड अभी नहीं, वो आएंगे 8:30 बजे के टाइम, तो वो चाय नाश्ता करेंगे। तो अभी जाकर मेरा ये जो किचन का काम है वो मतलब समेट गया सारा, और अब मैं पोछा ओछा लगा कर और फिर जाऊंगी नहाने, क्योंकि मुझे मतलब मैंने व्रत रखे हैं, तो मुझे भी पूजा करनी है, और पूजा करती हूँ तो उसमें भी टाइम लगता है। और क्या होता है ना, जब सुबह जल्दी उठो और उठ के अगर चाय जितनी लेट होती जाती है, खाने की इतना वो नहीं होती है, लेकिन चाय अगर जितनी लेट होती जाती है तो अजीब सा लगता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे टाइम होता जाता है वैसे वैसे ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करने लगता है। और मेरा क्या है कि मैं व्रत रखती हूँ, व्रत रखूँ या ना रखूँ, लेकिन चाय जो है वो तो मैं नहा कर ही पीती हूँ,
क्योंकि ना घर में दिया बाती भी करनी होती है और दूसरा ठाकुर जी भी बैठे हुए हैं तो उनको भी नहलाना धुलाना होता है, तो इसीलिए और मेरा सुबह हो जाता है 9 बजे तक मेरा नहाने वाला काम जो है वो हो जाता है 9 बजे तक। और अभी ये कूलर वगैरह जो हैं वो बंद हो चुके हैं चलने। अभी हमारे इधर बारिश हुई थी 2 दिन, एक दिन तो पूरा दिन हुई और फिर एक दिन सुबह के टाइम हुई, और दोनों दिन बारिश काफ़ी अच्छी बारिश हो गई, तो मौसम जो है वो बिल्कुल बदल गया और चेंज हो गया। और वैसे भी अब सितंबर तो हो ही चुका है पूरा और अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो जो ये कूलर हैं वो बंद हो चुके हैं और बस मुझे ये कूलर थोड़ा सा इनका साफ़ सफाई करके और इन्हें यहाँ से हटा कर शिफ्ट करवाने हैं, क्योंकि जब मैं ये कूलर वगैरह का काम नहीं होता है ना तो मैं इन्हें दूसरी जगह रखवा देती हूँ छोटे से रूम में, और ज़्यादा सामान भी खिचपिच सा लगता है क्योंकि नहीं अच्छा लगता खिचपिच सा।